हाय गाइस, वेलकम टू अल्फा बीटा। माय नेम इज अमर और आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस रहा है प्लस समय से, जिसके अंदर हम यूज करेंगे हैज बीन, हैव बीन प्लस पास्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर का। उफ, बहुत बड़ा रूल और थोड़ा सा लेंथी चर्चा रही है, क्योंकि इसके अंदर एक तो रूल बहुत बड़ा है, दूसरा सेंटेंसेस काफी बड़े बनेंगे। एक कॉमन सी प्रॉब्लम जो लोग बहुत या तो जल्दीबाजी में या इग्नोरेंस के तौर पे इग्नोर कर देते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंसेस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ट्रांसलेट कर देते हैं। लेट सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, जो रीसेंट एक वाकया हुआ मेरे साथ। एक डिश टीवी वाला, उसने मुझसे ये कहा कि डिश टीवी इज नॉट वर्किंग फॉर 2 डेज। अगर ये सेंटेंस सही होगा तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे? इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा इंग्लिश में होना ही नहीं चाहिए। बट सही मायनों में इसका इस्तेमाल सिर्फ वही करता है जिसको टेंसेस की प्रॉपर नॉलेज है। शुरू करते हैं, हम सीखना शुरू करते हैं कि हमें ये सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करना है। ये सेंटेंस आपको सिंस और फॉर की वजह से थोड़ा सा परेशान करेगा, बट हम एक ऐसा रूल सीखने वाले हैं जिसको पढ़ने के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। हम सिर्फ उंगली उठाएंगे और अपने कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। करते हैं शुरू। मैं 2 घंटे से सैर कर रहा हूं। आपको ध्यान क्या देना है कि जब भी आपका सेंटेंस रहा है पे खत्म हो जाए, प्लस उसके अंदर कहीं टाइम छुपा हो और वो जुड़ा हो से वर्ड से, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। जैसे मैं 2 घंटे से सैर कर रहा हूं, मैं के लिए इस्तेमाल करेंगे हम आई, और आई के साथ हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं हैव बीन, तो हम इस्तेमाल करेंगे आई हैव बीन। अब रूल कहता है कि हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म सैर करने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? वॉक। रूल कहता है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट। अब जैसे कि हमारा रूल है कि हम बताते हैं पहला आखिरी और उल्टा, उल्टा हमने चलना शुरू किया तो हमें मिला 2 घंटे से। अब जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है टेंसेस की, वो तो फटाफट बता देंगे कि हाँ इसके साथ हम यूज करेंगे सिंस या फॉर। बट लेट सपोज आगे हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देंगे जहां पर आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि इसके अंदर सिंस आएगा या फॉर। बट एक फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि कभी भी फेल नहीं होगा। कभी भी जब हमारा टाइम सेल से आ जाए, हमें सिर्फ एक चीज चेक करनी है कि 2 घंटे क्या हमारे घड़ी में बसते हैं नहीं बसते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। एक बहुत सुंदर सी घड़ी मैंने बनाई है, मोस्ट प्रॉब्ली काफी टाइम लगा मेरे को उसको बनाने में, बट आई हैव मेड इट। अब हमारा चैलेंज यह है कि हमें 2 घंटे ढूंढने हैं इसके अंदर। ये 2 घंटे है नहीं, दैट इज 2 o'clock। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कभी भी सेंटेंस के अंदर 2 घंटे आए जो आप टच ना कर पाओ, उस पर हम यूज करेंगे फॉर। फॉर 2 hours। अगर मैं यही बात कहता कि मैं 2 बजे से सैर कर रहा हूं, तो आप यूज करके सिंस 2 o'clock, क्योंकि आप 2 बजे को छू सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 4 घंटे से सैर कर रहा हूं, तो आप 4 घंटे इस पूरी घड़ी में कहीं पर भी टच नहीं कर सकते। ये 4 बजे है, इट्स नॉट 4 घंटे। तो जब हम इसको छू नहीं सकते तो हम लगाएंगे फॉर, और जब हम उसको छू सकते हैं तो हम इस्तेमाल करेंगे सिंस। जैसे कि 2 बजे को हम छू सकते हैं लेकिन 2 घंटों को नहीं। तुम 4 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हो, राइट? तुम के लिए इस्तेमाल करेंगे हम यू। अब यू के साथ हम यूज करते हैं हैव बीन। अब सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। अब हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, हैव और बीन। अब अगर हमने ये लेसन याद नहीं किया होता कि हमेशा नॉट फर्स्ट हेल्पिंग के बाद आता है, तो हम कभी भी नहीं जान पाते कि हैव के बाद आएगा नॉट या हैव से पहले आएगा या बीन से पहले आएगा। यू हैव नॉट बीन, जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं गो।
प्लस आईएनजी, यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल चार दिन से. अब मैंने थोड़ी सी मेहनत कैलेंडर में भी की है, राइट? सो अगर हम यहां पर बात करें चार दिन की, तो आई बिलीव यहां पर चार दिन कहीं नहीं दिख रहे. अगर मैं कहूं ये चार तो दिख रहा है, बट ये चार दिन नहीं है, ये चार तारीख है, राइट? हम कहें कि मैं चार, तुम चार दिन से स्कूल नहीं जा रहे हो, वो कौन से चार दिन की बात कर रहा है? दो दिन पहले से चार दिन या आज से पीछे के चार दिन? सो वी आर नॉट श्योर. और हमें कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कि ये उंगली अगर आपने कैलेंडर पर रख दिया, अगर आपको ये चार मिल गया, यानी कि चार दिन मिल गए, तो आप सिंस यूज कर सकते हैं, अदरवाइज फॉर. अगर मैं कहूं चार तारीख से, तो आप उंगली उठाइए, चार तारीख पे रख सकते हैं, तो हम इस्तेमाल करेंगे सिंस. बट मैं यहां पर चार दिन ढूंढूं तो मुझे चार दिन नहीं मिलेंगे, तो हम इस्तेमाल करेंगे फॉर. फोर डेज, राइट? जैसे हम बहुत दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, यानी कि पहले हम खेलते थे, अब काफी दिनों से हम क्रिकेट खेलने नहीं जा रहे हैं. अब बहुत दिनों से, आई बिलीव बहुत दिन कैलेंडर में तो शायद नहीं आते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, हम बहुत दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं. वी हैव, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, नॉट बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म, खेलने की वर्ब होती है, प्ले प्लस आईएनजी, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्या क्रिकेट, आई एम सॉरी क्रिकेट बहुत दिनों से. अब आई थिंक अगर मैं बहुत दिन ढूंढने जाऊं तो हमारे कैलेंडर नहीं है, तो हम इस्तेमाल करेंगे फॉर. मेनी डेज, राइट? राधा पिछले 3 बजे से कपड़े धो रही है, आई एम सॉरी यहां पर पिछले नहीं होना चाहिए. राधा 3 बजे से कपड़े धो रही है, राधा के लिए हम यूज करेंगे राधा धो रही है और समय से, राइट? तो राधा हैज बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वॉशिंग द क्लोथ्स फाइन. अब 3 बजे से, जैसा कि हमें पता है कि क्या घड़ी में 3 बजते हैं, यस 3 बजते हैं, यस, तो हम यूज करेंगे सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock, क्योंकि हम घड़ी में 3 बजे को छू सकते हैं. हम 25 दिसंबर से छुट्टियों पर जा रहे हैं, 25 दिसंबर, यस, फरवरी में नहीं है बट दिसंबर में तो होगा, यस. जिस भी कैलेंडर में हम छू सकें वो हमारा सिंस में इस्तेमाल किया जाएगा. हम 25 दिसंबर से छुट्टियों पे जा रहे हैं, वी हैव बीन गोइंग ऑन वेकेशन since 25th December. Well, this is not a logical sentence, but आपको बताने के लिए ये इस्तेमाल किया गया है कि हम we have been going on vacation for since 25th December. It doesn't make sense, but yes, सिर्फ translation के लिए ये sentence हमने translate किया है, इसका कोई logic नहीं है. Fine, अमर 2008 से अंग्रेजी सिखा रहा है, कॉन्शियसली ये प्रोसेस चलता हुआ है. अमर 2008 से अंग्रेजी सिखा रहा है, अमर के लिए इस्तेमाल करेंगे अमर. 2008 से अंग्रेजी सिखा रहा है, रहा आ गया प्लस टाइम आ गया, राइट? अमर हैज बीन टीचिंग, क्या टीचिंग? इंग्लिश 2008 से. 2008 हमारे कैलेंडर में होता है, यस. अगर हम 2008 का कैलेंडर देखें तो हमें 2008
जरूर मिलेगा। यस, ये 2012 का है तो आपको नहीं मिलेगा। राइट, सो अगर आप 2008 की कैलेंडर में जाएं या अपने मोबाइल में 2008 खोलें तो आपको 2008 जरूर मिलेगा। सो राइट, तो हम यहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस 2008। ये ऑलमोस्ट 40% है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, क्योंकि ये सेंटेंस और ये चैप्टर थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। हमने अभी सिर्फ कवर किया है घड़ी और कैलेंडर को, अभी हम पढ़ने वाले हैं पहर और बहुत सी चीजें। ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा है प्लस समय से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।